नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा अस्थाई स्टॉक का संधारण करना एवं उनमें कौन कौन सी सामग्रियां आती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अस्थाई स्टॉक के बारे में। अस्थाई सामग्री वो स्टॉक होती है जो खपत के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और वो कम अवधि के लिए हमारे पास मौजूद रहती है, जैसे सर्फ, साबुन, तेल, आटा, चावल, फ्लोर क्लीनर, स्टेशनरी की सामग्रियाँ इत्यादि। चलिए देखते हैं इसका संधारण कैसे करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि हमारे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हों उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी जानकारी नहीं छूटे। सबसे पहले हम सामग्री का इंडेक्स बना लेंगे और जिन सामग्री को जिस पेज नंबर पर संधारण किए हैं उस पृष्ठ संख्या को फोलियो वाले कॉलम में दर्शा देंगे। फिर जिस सामग्री का स्टॉक मेंटेन करना है उस पृष्ठ पर आते हैं। ये स्टॉक बुक का नमूना है, इसमें हम लोग संधारण करके देखते हैं। जिस सामग्री का स्टॉक तैयार करना है उसको आर्टिकल के सामने सामग्री का नाम लिख देते हैं। सेम वही कॉलम जो कि हम लोगों ने अस्थाई स्टॉक संधारण करते समय देखा था, माह वाले कॉलम में माह, डेट वाले कॉलम में डेट। अगर पिछला हमारा क्लोजिंग में जितनी क्वांटिटी बची हुई है इस मंथ में ओपनिंग हो जाएगा। अगर पिछले मंथ में हमारा क्लोजिंग नील है तो इस मंथ में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। नए सी से मंथ में आई हुई सामग्री को ही मेंटेन करेंगे। हम लोग यहाँ पर एक सामग्री चावल ही स्टॉक मेंटेन करके देखते हैं। मान लीजिए हमारा पिछले माह में चावल का कुछ 50 केजी स्टॉक बचा है, तो इस माह में हमारा ये ओपनिंग बैलेंस में 50 केजी बैलेंस स्टॉक में आ जाएगा। फिर इस मंथ में अगर कहीं से हमें चावल का स्टॉक प्राप्त हो रहा है या कहीं से खरीदारी की जाती है, जैसे हमने यहाँ दिखाया है सोनू मार्केटिंग से 200 केजी चावल की खरीदारी की गई, बिल नंबर और डेट के यहाँ पर दिखा देंगे। जिस रेट में चावल की खरीदारी की गई है उस रेट को हम रेट वाले कॉलम में दर्शा देंगे। जैसे हमने 40 रुपीज़ के दर से ख़रीदा है तो 40 रुपये यहाँ पर दिखा दिए हैं, तो टोटल हमारा 200 केजी चावल का रेट कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू 8000। अगर मान लीजिए इसी डेट में 20 केजी खपत हो रही है तो हमारे पास पहले का 50 केजी और इस माह में 200 केजी खरीदारी हुई, टोटल कितना स्टॉक हुआ हमारे पास, 200 प्लस 50 बराबर कितना हो गया, 250 केजी। इसमें से 20 केजी खपत दिखा रहे हैं तो अब हमारे पास कितना बैलेंस स्टॉक बचा, 250 माइनस 20 बराबर कितना हो गया, 230 केजी। वैसे ही जिस जिस डेट में जितनी क्वांटिटी चावल की खपत हो रही है उसे बैलेंस स्टॉक में घटाते चले जाएंगे। अगर माह के अंत में सामग्री का स्टॉक घटते घटते ख़त्म हो जाता है तो माह के अंत में नील दिखा देंगे। अगर कुछ स्टॉक बच जाती है तो बचा हुआ स्टॉक अगले माह में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कि डे बाय डे एक्सपेंडिचर का वेट करना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे फ्लोर क्लीनर हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, सोडा, मेथी, ऐसे छोटे मोटे कुछ कुछ आइटम जो होते हैं वो डे बाय डे घटाना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, या तो उसे 15 दिनों पर दिखाएंगे और या तो मंथ में उसे एक बार दिखाएंगे। ऐसे ही अलग अलग अस्थाई सामग्रियों का स्टॉक संधारण अलग अलग पृष्ठ पर करते चले जाएंगे। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस संबंध में किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में बतलाएंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।